मॉडलिंग रैंप से ड्रामे की लीडिंग हीरोइन तक एक चीज हमेशा सरवत के साथ रही है, वो है इनकी मुस्कुराहट। ये जब जब स्क्रीन पर आती हैं, अपनी नेचुरल एक्टिंग से हमें मुतासिर करती हैं। इनका करियर तो हमारे सामने है, आज हम कॉन्वर्सेशन में इनके करियर और इनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक्ट्रेस बनने से पहले क्या तुमको अंदाजा था कि तुम्हारे बाल एक्चुअली घुंघरीले हैं और तुम्हें पता था कि तुम्हारे बालों के साथ क्या होने वाला है इन अगले सालों में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पता नहीं था। मुझे हमेशा से आर्टिस्ट बनना था। पेंटिंग बहुत अच्छे करती थी बचपन से, मगर बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत ट्रेजेडी होने वाली है मेरे बालों के साथ। लोगों को अच्छे लगते थे, लेकिन कैमरा पे वो फ्रिज आ रही है आपकी, यहाँ से भी फ्रिज। तो बाय द एंड ऑफ अ कमर्शियल और समथिंग मेरे बाल पूरे जेल्ड हो जाते थे या स्प्रे लग लग के उनका कर्ल निकल जाता था। सो दैट वाज पेनफुल, मजा नहीं आता था। कर्ल की ब्यूटी, यू लेट इट बी। आई थिंक वो, आई मीन अभी भी तुम्हारे बाल कर्ली हैं तो उनमें एक खूबसूरती एक आ रही है ना, वो आई थिंक ये हो जाएगा जरा। फिर वो इवेंचुअली यही हो गए ना, इतने मैंने स्ट्रेट कराए कि वो बेचारे अब कंफ्यूज्ड हैं। जब मैंने get out of a shower, half of them are curly और half जो है वो सीधे होते हैं, वो कहते हैं हम माफ कर दें हमें, आप प्लीज आप ले जाएं अपना करियर कहीं और ले जाएं, हमें छोड़ दें या उतार दें सारे फिनिश विगों पे आ जाएं प्लीज फॉरन से पहले। जैसे वो कहते हैं बेबी के आप जितनी दफा कराएंगे उतने थिक होंगे, उतने थिक होंगे। हाँ, अच्छा तुमने अभी कहा कि बचपन से तुम्हें शौक था आर्टिस्ट बनने का। अब मुझे पता है लोग समझ रहे होंगे टीवी आर्टिस्ट, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें आर्टिस्ट बनने का शौक था एंड यू आर एक्चुअली अ रियली गुड आर्टिस्ट एंड अ गुड पेंटर। तो टाइम मिलता है वो करने का? अब बहुत कम मिलता है, आफ्टर द बेबी, आफ्टर तो उसके बाद तो बिल्कुल नहीं मिलता। अभी जो लास्ट एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, दैट वॉज अबाउट 2 years अगो, इट वॉज वुमेन्स डे और एलियंस पे 40 फीमेल आर्टिस्ट का काम लगा था, आई वॉज वन ऑफ देम। तो मजा आता है, इट्स अ गुड ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। नहीं जब आपको चाहिए, मैंने सुना थेरेप्यूटिक भी होता है, बहुत ज्यादा लगता है। आप खुद भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन होता है ना, दुनिया शट आउट हो जाती है ना, आप बहुत जरूरी है ये जोन में रहते हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, अपनी चीजें अंदर की जो हैं वो निकाल रहे हैं। अच्छा सुनो, ये मैं तुम्हें एक फर्रा पकड़ाने वाली हूँ। ओके, इस पे 3 segments हैं, ठीक है ना? ठीक है। पहला तुमने रोमांटिकली पढ़ना है। अच्छा, जिस पे लिखा हुआ है रीड रोमांटिकली। राइट। एक तुमने गुस्से से पढ़ना है और एक तुम एक डेथ बेड सीन कर रही हो। ओके ओके, ये लो चलो। डेथ, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, डायबिटीज के मरीज खास एहतियात करें, और तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर से रुजू करें। वजारत मोहब्बत हुकूमत पाकिस्तान। दिस इज वेयर यू फ्लटर योर आईलैशेस ना थोड़ा सा, पाकिस्तान। हाँ, we could do that. अगर तुम अभी ड्रामा कर रही होती तो रोमांस में भी एक आंसू गिरना आंसू बहुत जरूरी है। आंसू के अलावा हो गई हो तुम इस वाली कोई में नहीं। ओके चलें अगला। गुस्से से, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपके बच्चे इस कदर सलीकामंद और बेटियां इस कदर तमीजदार हैं, आप जरूर आइएगा हमारे घर दोबारा, फिर से आइएगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, नाउ कैन यू से दिस एज योर जवानी फिरनी यानी कैरेक्टर? ओह, ऑल इन पश्तो, ऑल इन पश्तो। नो, आई हैड टू कॉल माय ब्रदर एवरी टाइम। नहीं है? हाँ, वो ज्यादा फ्लुएंट है, मैं पेशावर इतना गई नहीं, मैंने इतनी सीखी नहीं। बाय द टाइम आई वाज द फोर्थ किड, तो मेरे तक आते आते उर्दू और इंग्लिश ज्यादा हो गई, पश्तो रह गई, तो वो बड़ा नुकसान हुआ मेरा। लेकिन फोन करके, हेलो तारिक, इसको पश्तो में कैसे कहेंगे? तुम घर आ जाओ, मैं कर लेता हूँ ये। अच्छा, अब लास्ट वाला। अच्छा, डेथ बेड सीन। डेथ बेड सीन, लेकिन तुमने बहुत ही खुशी में ओवर द मून होके बोला। ओनली इफ आई नो।
शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, सांस भी नहीं ले जा रही, मगर मैं तुम लोगों के मुस्तकबिल की खातिर जो कुर्बानियां दी हैं, जो ख्वाहिशें मारी हैं और जो प्यार और पैसा कमाया है, सब नहीं सब सुपुर्द करे जा रहा हूं तुम सब मिलकर प्यार मोहब्बत से रहना, ताकि कभी भी कभी भी आफत आए तो कुछ ना बिगाड़ सके। अब ये आंखें खुली हैं तो असल में मर गई हो ना इस वाले में, अमेरिका ही वरना फिर उठने वाली हो खुशी से। अच्छा ठीक है, वापस कर दो, हो गया। हाँ। फेल नहीं, फेल, पास पास भाई। अच्छा एक जल्दी से बात बताओ कि तुम्हारे ख्याल से लड़के ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं या लड़कियां? लड़के। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल पैकेज अपना दूर रख के आते हैं और कोई जेलेसी नहीं होती, कोई डबल मीनिंग नहीं होती, कोई चीज चाहिए नहीं होती, जो चाहिए होती वो बोल देते हैं। तो दोस्त लड़के ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारा कौन सा हिस्सा बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह है और कौन सा हिस्सा बिल्कुल तुम्हारे अब्बू की तरह है? मेरा दिल बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, बहुत बड़ा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा है। बाप की तरह फोकस्ड हूँ और गुस्सा आता है, पठान कभी आता है, कभी कभी आता है, बट जब आता है तो बहुत नुकसान वाला गुस्सा होता है, अगले का नुकसान, अपना नहीं, नहीं नहीं अपना नुकसान कभी नहीं। अच्छा अब जरा थोड़ा फंस करेंगे, दोबारा एसोसिएशन गेम खेलेंगे, ठीक है? okay. मैं एक लफ्ज फेंकूंगी तुम्हारी तरफ, तुमने फौरन बगैर सोचे एक और उसके जवाब में लफ्ज फेंकना है, ये क्या रिमाइंड करता है तुम्हें, ठीक है? okay. ना सबसे पहले नंबर वन मरवत सरवत आयशा उमर ओह यस कर्ली है मी खालदा रियासत एलिगेंस सोशल मीडिया नाउ पावरफुल बहुत पावरफुल इमरान अब्बास गुड फ्रेंड हाई हील्स दैट्स इट ओके दैट इज इट ओके आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव रोल यस अली सलीम गुड स्पोर्ट फ्री स्पिरिटेड ओके अब मैं तुम्हें कुछ जानवरों के नाम बताऊंगी और वो जानवर तुम्हें किस इंसान के बारे में याद दिलाते हैं वो तुमने नाम बोलना है फौरन। यार ये तो आप फंसा देंगे और बहुत तेज। ओहो सर्वत रेडियो मेरी बिल्कुल ब्रेक नहीं ले सकते। हाँ अच्छा अच्छा सबसे पहले गिरगिट पॉलिटिशियन कोई भी सारे एक ही तरह डिप्लोमेटिक जवाब था बहुत बोरिंग अब यू हैव टू मेक अप इन द नेक्स्ट वंस ओके बंदर ये शायद बेहतर होता हाँ भालू फिर बंदर बंदर हो सकता है तीसरा भी हो सकता है उनका जो हमेशा जो उनके साथ होता है अब कॉमेडियन है जो यासिर हुसैन यासिर बंदर कुकर आ गया था ना हम दिमाग में वैसे कुकर हमजा ओके चूंटी मैं कव्वा ओ मेरा प्रोडक्शन का असिस्टेंट ही हैज अ बैड वॉइस वोकल कोड हैपनिंग बहुत ज्यादा मोर माहिरा खान चिमगादड़ आई नो वी आर थिंकिंग ऑफ द सेम पर्सन लेकिन चलो छोड़ देते हैं। अच्छा चीन से दोस्ती या अमेरिका से? चीन से। फास्ट फूड या ऑर्गेनिक फूड? बोथ। लियोनार्डो डिकैप्रियो या क्लार्क गैबल्स? क्लार्क गैबल्स ना गैबल्स आई ऑलवेज। कॉमेडी या हॉरर? हॉरिबल। शेरवानी वाला दूल्हा या सूट वाला बाबू? शेरवानी वाला दूल्हा। काला सफेद या लाल? काला। योगा किकबॉक्सिंग या रिलैक्सिंग? योगा ब्रीदिंग टोटली। अच्छा हील या चप्पल? चप्पल। अच्छा
रंग बरंगे दोस्त या सीधे साधे सोबर से डिपेंडेबल दोस्त? रंग बरंगे पटाखे बॉम्ब दोस्त है। मुच्छड़ नुमान एजाज या पप्पू हुमायूं सईद? मुच्छड़ नाइस बट जनरली हुमायूं सईद। गुज़िश्ता साल का बेहतरीन ड्रामा और फिल्म? वेल मंटो फॉर श्योर। ड्रामा थे कई थे, एक का नाम पूछ रही हूँ ना, देखती नहीं हूँ, पता नहीं, फॉरगिव मी। अच्छा, भगारे बैंगन में कौन सा ड्राई फ्रूट डलता है? बैंगन ड्राई फ्रूट नहीं होता ना वो, मूंगफली, पीनट्स। पीनट्स, आई न्यू आई वाज गेटिंग दैट। वेल डन। अच्छा, फिर काम पे आ जाते हैं। ऑफ अच्छा, तो आप उन कुछ वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में से हैं जो किसी भी किस्म का रोल कर लेती है? जरूरी नहीं है कि हीरोइन और खूबसूरत हो और अच्छी हो और स्वीट हो और हर सीन में रो रही हो क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ है। अच्छा, तुम्हारे साथ ही हुआ था करियर के शुरू में? मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो मैंने जो पहले एक दो रोल किए थे बिल्कुल लूजर टाइप के, किसी को याद भी नहीं, लेकिन वो बहुत मजाकिया, फनी, नेचुरल टाइप के थे। तो मुझे फिर ये डर लगता था कि मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा एज एन एक्टर क्योंकि मैं रो ही नहीं हूँ बिल्कुल। और फिर जब रोना शुरू हुआ तो उसका रुका तो वो भाई एंड ही नहीं था कुछ रोने का। तो डिड यू एवर फील दैट जब शुरू कर रही थी कि सीरियसली लिया जाएगा अगर तुम बड़े सीरियस किस्म के रोल करोगी? रोना इज लाइक एंड व्हिच इज सो रॉन्ग, व्हिच इज सो रॉन्ग। अब जाके लगता है कि हम कितने बेवकूफ हैं। बहुत बहुत गलत है। रोना इज नॉट, शुड नॉट बी द क्राइटेरिया कि आप अच्छा एक्टर बन सकते हैं या नहीं। था मेरा पहले ड्रामे का पहला सीन, मुझे कब्रिस्तान में बिठा दिया मरीना खान के घर के पीछे और मैं सोच रही हूँ मरीना को आवाज दूं या यहाँ आवाज दूं। और बहुत हॉरेंडस, आई वाज, मतलब मुझे था मैं नहीं कर सकती है। हमें सोचे कब्रिस्तान में बैठ के किसी रैंडम पर्सन की कब्र पे ऊपर बैठ के मुझे हिचकियों से रोना और प्रिटेंड करना है ये मेरा लवा था। लवा था तो ग्लिसरीन इस्तेमाल करना पड़ा कि नहीं? हाँ, पहले दिन तो उन्होंने विक्स ठूस दिया। सो 10 मिनट तक तो मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकी। तो वो डायरेक्टर कह रहे हैं आपने क्या किया है, ये आपने क्या किया, आप रो नहीं सकती। मैं कहा नहीं सर, मैं ऐसे ही नहीं रो सकती, आई एम हैविंग अ वंडरफुल डे। तो कहते हैं अच्छा ग्लिसरीन ट्राई करें। आफ्टर 10 मिनट्स दे ट्राइड ग्लिसरीन इन माय आईज, सब सूख गया था अंदर से। तो कुछ नहीं हुआ, रैप हो गया वो, मतलब आधा पौना घंटा वी हैड टू जस्ट सिट सो दैट माय आईज कुड गेट वॉटर अगेन। बिल्कुल, बहुत बुरा, बहुत बुरा। बट किया, फिर जब अंडरस्टैंड किया कि एक्टिंग क्या होती है तो इतना रोए कि घर जाके डिप्रेशन कैरी किया और अपने को एक्टर को फोन किया कि ओ माय गॉड ये बंदी कैसे कर सकती है ये। एंड दिस वाज अदील हुसैन एंड मताए जान। यस यस। तो फिर मैं सोची ये कैसे कर सकती है, ये कैसे हो सकता है। अदील लाइक रिलैक्स, स्नैप आउट ऑफ इट, ब्रीथ। तो ये भी हुआ है, तो वो रोना घर तक ले जाता है। फिर मैंने सीखा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सो आई कुड स्नैप, तभी योगा, सो आई कुड स्नैप आउट ऑफ इट, वरना मैं डेज इन यू नो बहुत बहुत सैड। अब पंक्चुअलिटी एक बहुत ज्यादा मसला हो गया है। लोग पंक्चुअल नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है एल्डर्स की। एल्डर्स जो सेट पे हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या वो एक्टर हो, वो कोई भी नहीं है इन बच्चियों के लिए, मोस्टली गर्ल्स अनफॉर्चुनेटली। हाँ, इट्स टोटली वर्थ इट। आई वुड रादर के ना लोग कॉल करें नोइंग कि ये नहीं करेंगे। पहले मैं मना कर देती थी कि डेट्स नहीं है, फिर मुझे हुआ कि लोगों को समझ आनी चाहिए कि क्यों मैं नहीं करूंगी। एक रोल आया जिसमें वो आपकी शादी होने वाली है और उसी वक्त आपकी माँ प्रेग्नेंट होती है। मैं कहती मैं क्यों कहूंगी ऐसे, आप क्यों ऐसे चीजें सिखाना चाह रहे हैं अपनी यूथ। देन आई एक्चुअली सैट हिम डाउन एंड स्पोक टू हिम ऑन द फोन फॉर हाफ एन आवर एंड आई सेड ये नहीं करें, ये क्यों नहीं करें, ये सारी चीजें वैल्यूज, आई मीन आई फील एज एन एंटरटेनर हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को सिखाएं। Entertainment industry is not just हंसी मजाक, शूशा और style और fashion and that's it. हम ही सिखा रहे हैं ना, हम ही लोगों तक पहुँच रहे हैं हमारी आवाज़, हमारे जो भी हम कर रहे हैं। And when I do a negative role, I make sure कि उसकी पूरी उसकी catharsis हो, उसको end में पता चले कि क्यों उसने गलत किया and she should be regretful. तो वो बहुत जरूरी है कि इसको बहुत ही एक आप सेंसिबल तरीके से लें, ऐसे ही ना ले लें कि जी रेटिंग्स आ जाए, जला दो, इसमें बहुत अच्छा पिटाई करवा दो, हाँ रेटिंग आ जाएगी। व्हाट अबाउट थिंग्स लाइक
बिकॉज आई एम नॉट इन इट एनीमोर. लेकिन जो उड़ी उड़ी सुनने में आती है कि अब पंक्चुअलिटी एक बहुत ज्यादा मसला हो गया है. लोग पंक्चुअल नहीं है. देखा जाए इफ रियली वांट टू गेट इनटू इट टैंट्रम्स. हां ये क्या है बच्चों के टैंट्रम्स. रिस्पेक्ट नहीं है एल्डर्स की. एल्डर्स जो सेट पे हैं चाहे वो स्पॉट बॉय हो या वो एक्टर हो वो कोई भी नहीं है इन बच्चियों के लिए. मोस्टली गर्ल्स अनफॉर्चुनेटली. उनको लगता है कि जितना हम अटेंशन लेंगे उतना भरम होगा उतना लोग डरेंगे और सर पे बिठा के रखेंगे. एंड अनफॉर्चुनेटली यही होता है. तो उनको इनकरेजमेंट मिलती है उनको शेयर मिलती है. जब हमारा टाइम था आई रिमेम्बर बहुत होता था कि आपको सबकी नज़र में अच्छा बच्चा बन के रहना है. सिर्फ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की नहीं बल्कि को एक्टर्स की भी. तो हमने वो टाइम देखा है जब पंक्चुअलिटी होती थी. आई रिमेम्बर मैं आके बैठती थी और हम घंटों बैठे रहते थे. अभी लड़कियां आती हैं और उनकी बहुत बहुत चेंज है. लड़कियां भी हैं जो आके देन आई लीव द रूम बिकॉज इट्स नॉट सिविल टू टॉक टू अ स्पॉट बॉय लाइक दैट. देयर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर ऑल. तो वो रिस्पेक्ट नहीं है. शायद उनके घर में नहीं सिखाया गया या शायद उनको लगता है ये उनका मिसकंसेप्शन है कि यू नो ये कूल है और ये पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स काइंड ऑफ चेंजिंग. आई रिमेम्बर फैशन में भी यही था. वी हैड ब्यूटीफुल एजुकेटेड वेमेन. इरज विनी जीक्यू बीबी ऑल ऑफ दीज अतिया वाओ यू नो अमेजिंग थी. अब कैट फाइट्स होती हैं पीछे अगर देखा जाए. अभी मैं कुछ दिन पहले एक वो बहुत पुराना टेलीविजन सीरीज देख रही थी स्पिन सिटी के नाम से. डू यू रिमेम्बर दैट? आई रिमेम्बर स्पिन सिटी. तो स्पिन सिटी में देयर वाज जेनिफर गार्नर जो एक सेकंड के लिए आई थी बेचारी. एक फनी सा रोल उसको ज्यादा लाइंस भी नहीं मिली थी एंड यू वर जस्ट लाइक माय गॉड ये आगे जाके क्या बन गई थी. और एक दो और भी ऐसे एक्टर्स थे हु डिड हु हैड देयर ओन शोज लेटर ऑन एंड आर लाइक बिग नेम्स नाउ. तो आई गेस उनको स्ट्रगल करना था. हमें कभी नहीं करना पड़ा. शायद हम शुरू में एक आध दफा दोस्त बन गए लेकिन फिर लीड में ही आ गए. लेकिन हमारे टाइम पे आई स्टिल फील और आई स्टार्टेड अ लिटिल बिफोर यू. तो हमारे सीनियर्स हमें बहुत गाइड करते थे. कम अज कम आई स्टिल रिमेम्बर मेरा पहला ड्रामा नुमान एजाज ने मुझे साइड पे किया. मुझे कहा कि बेटा इस तरह या इसको यूं करने की कोशिश करो. एंड वी वर वेरी कोई तो बता रहा है. तो डू यू फील कि कुछ ट्रेनिंग अगर होती या कुछ या अभी भी दिल चाहता है कि जाओ और कुछ कोर्सेज करो? आई फील आई एम इलिटरेट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग रियली. आई मीन ये तो मैंने खुद ही दिमाग से बनाया है ना कि मेथड क्या है टेक्निक क्या है कहाँ देखना है कैसे इमोशन को लाना है. आई मीन देर आर 10 वेज ऑफ टेकिंग अ फोटोग्राफ. लाइक जस्ट लाइक दैट देर आर 10 वेज ऑफ डूइंग डिलीवरिंग वन लाइन. मुझे लगता है मुझे चार आती हैं. मुझे सीखनी है. आई मुझे बहुत शौक है. मैं पढ़ूँ मैं जाऊँ. मगर अगर होता तो आई थिंक थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी ज़्यादा होता. थोड़ा एक वर्सटिलिटी ज़्यादा होती. जो हम स्टक हो गए हैं कि खूबसूरत लगना ज़रूरी है और प्यारा दिखना ज़रूरी है गोरा दिखना ज़रूरी है उससे हम निकल आते. हम थोड़े रियलिस्टिक आर्ट आर्टी चीज़ें भी करते हैं और उसको ना बहुत बैकवर्ड समझते और उसको ना समझते कि वो लोग नहीं देखेंगे नहीं कम देखें। लोग देखेंगे. फिर हमें होता कि हम ये भी करेंगे इसको भी एज गुड बनाएंगे जितना हम कमर्शियल को बना सकते हैं. सो लाइक यू नो फिल्म्स लाइक मंटो दे वर अमेजिंग. द अदर वन जो फहद मुस्तफा और उसकी नामालूम अफराद वाली. सनम सईद एंड माहिमीर माहिर मीर. although it was slow and stuff but वो taste हमारा तभी develop होता as a nation as a society जब हमने ये सारी चीजों से you know हम गुजर चुके होते हैं. ड्रामे बनाते हैं ऐसे पहले you know ड्रामे तो वो एक generation gap आ गया पूरा एक from amazing content to like a content to now thank god surfacing back to your own roots. बिल्कुल. तो वो नहीं होता. एक्सेप्टेंस लेवल ज्यादा होता. एंड नथिंग लाइक
यू नो आपको मिंडेन और स्टैग्नेंट लोग नहीं नजर आते. मुझे लगता है आई विश कि मैं एक लड़का होती तो मैं हर किस्म का हेयर स्टाइल करती और मूछें बढ़ा लेती. और मतलब मैं एक लड़की होते हुए चंद एक चीजें हैं जो कर सकती हूँ. एक्टर्स अब्रॉड मतलब ठीक है उनको पैसा मिलता है जो भी है बट एक विल होती है. मैं गेन करती वेट, मैं लूज करती वेट, बहुत कुछ हो सकता था. सिखाते. अच्छा एक्टिंग के अलावा एक तीन बहादुर में जो वॉइस ओवर तुमने किया है वो कैसा, हाउ वाज दैट डिफरेंट, वाज दैट मोर डिफिकल्ट? नॉट एट ऑल, इट वाज क्वाइट एक्चुअली सिमिलर. द ओनली डिफरेंस वॉज के एज अ कैरेक्टर, एज एन कैरेक्टर जब आप डिवेलप कर रहे होते हैं अपना रोल, जब कैरेक्टर बना रहे होते हैं तो आप उनमें बॉडी लैंग्वेज डाल सकते हैं, फेस एक्सप्रेशंस डाल सकते हैं, आप उसमें हिस्ट्री थोड़ी बहुत बना सकते हैं. एनिमेशन में यू जस्ट इन अ डब्बा एंड द स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड 15 लोगों ने उस कैरेक्टर पर ऑलरेडी काम किया है तो उनकी इमेजिनेशन है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, उसका एक्सेंट कैसा होगा, उसके बोलने का तरीका क्या होगा. तो क्योंकि उन्होंने एनिमेशन तेज वाली की हुई है सो दैट मींस आपको तेज बोलना है. अगर स्लो की है दैट मींस कि आपका तलफ्फुज और हर चीज बहुत स्लो होगी. सो दैट्स द ओनली थिंग. इट वाज फन. आई हैव डन वॉइस ओवर्स फॉर कमर्शियल्स तो मुझे इस तरह बहुत अजीब सा नहीं लगा कि एकदम से मुझे खड़ा कर दिया है कहीं. बट इट वाज सो मच फन एंड द स्टोरी इटसेल्फ इज ऑसम. इट्स फॉर बोथ, बड़ों के लिए भी है. एज अ मदर आई लर्नड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दैट फिल्म कि आप अपने बच्चों को करेज कैसे उनके अंदर आएगा. जब आप उनके अंदर ट्रस्ट करेंगे, जब आप बिलीव करेंगे कि वो इम्पॉसिबल चीजें कर सकते हैं. अ फ्यू नाइस थिंग्स फॉर द किड्स एंड फॉर एडल्ट्स. सुनिए आप दे दे प्लीज उतारे, बदतमीजी ना करें इस तरह. देखिए मैं नहीं कर रही बदतमीजी, आप मैं आपको बता रही हूँ, आप हट जाएं दूर. देखिए आपको पता नहीं है मैं किसकी बीवी हूँ, आप नहीं जानती मैं किसकी माँ हूँ. किसकी माँ आप? मैं बस हूँ. अच्छा अब हम जरा इम्प्रोव वाला गेम खेलेंगे, ठीक है ना? टू आंटीज फाइटिंग ओवर लॉन सूट्स एट ब्लैक फ्राइडे सेल. ओह नो. हाँ तो हम लड़ रहे हैं लॉन के सूट पे. ये आपने पहन भी लिया? ये पहले मैंने देखा था. तो कितनी देर हो गई देखे हुए, अगर मैं पहन के भी आ गई चेंजिंग रूम से बाहर. मैं तो मुड़ी हूँ और आपने ये यहीं पे था ना ये. अरे क्या हो गया, झूठ बोल रही है. मैं तो कब से पहन के घूम रही हूँ और ये तो मैंने पिछले साल लिया था. पिछले साल भी लिया, इस साल भी लेना है आपको? इस साल क्या मतलब है, तो हर साल क्या पिछले साल के ही कपड़े पहनती रहूं इस साल तक? सुने ये मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, मैं आज लेने आई. छोड़े छोड़े आपकी बेटी का, ये मेरे साइज का पहनेगी? मेरी बेटी है थोड़ी माशाल्लाह. अरे छोड़े आप होंगी माशाल्लाह, खाते पीते घर वाले. बहुत क्यूट हूं, राउंड राउंड. छोड़ दे फ्रैंक हो रही है जरूरत से ज्यादा. सुने आप दे दे प्लीज उतारे, बदतमीजी ना करें इस तरह. देखिए मैं नहीं कर रही बदतमीजी, आप मैं आपको बता रही हूँ, आप हट जाएं दूर. देखिए आपको पता नहीं है मैं किसकी बीवी हूँ, आप नहीं जानती मैं किसकी माँ हूँ. किसकी माँ आप? मैं बस हूँ. ओके अच्छा चलो अब हम दोनों जो है हम लोग क्या था ये वैसे मेंटली चैलेंज कुछ लग रही थी. अच्छा वेलकम टू थाईलैंड टूरिज्म एड. ओके चलो. ओके हाँ तो बेसिकली अब दो लड़कियां हैं. ओके और उनको नहीं पता, बहुत पुरानी दोस्त हैं, उन दोनों को नहीं पता कि वो दोनों एक ही लड़के को पसंद कर रही हैं. ओह नो. और लड़का दोनों को पटा रहा है. ओह ठीक है हाँ शुरू करें. ओके सोनिया तुम 2 साल बाद अमेरिका से आई हो, बिल्कुल बदली नहीं. हाँ बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा. आई डोंट नो बट एनीवे कैसी हो, व्हाट हैव यू बीन अप टू? गुड यार, आई जस्ट वांट टू टेल यू आई लाइक दिस गाय. 2 साल हो गए. वाह फाइनली. हाँ और सरवत को कोई पसंद आ गया. आई नो यार, बस एंड आई रियली लाइक हिम. और पहले 1 साल हमारी दोस्ती रही, फिर यू नो कुछ डेवलप हुआ. हाँ, और हाँ, मुझे बहुत पसंद है वो. हाँ, और उसको भी बहुत पसंद है और वो सोच तो कौन रहा है, व्हाट डज ही डू? ही इज समीर. समीर
How odd. हाँ, that's my boyfriend's name as well, Sameer. No way. हाँ, Sameer Afghan. Sameer Afghan. हाँ. Sameer Afghan is your boyfriend. Of course. No, not my boyfriend. Fiance. पिछले साल तो मंगनी हुई थी हमारी. Your fiance. हाँ. Are you sure? क्या मुझे कुछ टेंशन सी हो रही है सरवत, तो मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? Sameer Afghan is my boyfriend. अरे छोड़ो. He's the guy I've been liking. दो साल से वो मेरे साथ है. अरे मेरे साथ तो 6 साल से, पिछले साल तो मंगनी हुई है. मामा, मामा, आपने किससे मुझे मिलाया है? सोनिया, सोनिया, कॉल हिम राइट नाउ. यू कांट. तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है, ये दूसरी शादी है. ये मेरी चौथी शादी है सरवत, तुम छोड़ दो ना इसका पीछा, मैं कितनी शादियां करूं. तो एग्जैक्टली छोड़ दो ना इसको, मेरे लिए पहली शादी रख लो, मुझे नहीं चाहिए. अब जब चार कर ली है तो 3-4 और भी कर लूंगी, क्या फर्क पड़ता है? You will do that for me. Of course, you're my best in childhood, best friend. Thank you. आओ मिलके उसका कबाड़ा निकालते हैं. अब कबाड़ा निकालना है या उससे शादी करनी है? पहले कबाड़ा फिर शादी. ठीक है, डन. प्लान बनाते हैं. आंटी को फोन करते हैं ना. हाँ, आंटी तुम्हें पता है सबसे क्लेवर है इस मामले में, है ना? अम्मा को फोन करो. मॉमी. हेलो मॉमी, डू यू नो व्हाट समीर हैज डन? सोनिया के साथ गोइंग आउट की उसने. गोइंग आउट नहीं की, मंगेतर है मेरा, कितनी दफा बोलूं बोंगी. पहले गोइंग आउट और फिर मंगनी. ओह माय गॉड मामी, यू हैव नो आइडिया. हाँ 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 हाँ, परफेक्ट आइडिया. ठीक है मामा, थैंक्स. आई न्यू आई कुड काउंट ऑन यू. क्या कह रही है, क्या बोला? क्या मामा कह रही है? तुम और सोनिया दोनों जाओ समीर के घर और उसको जाके एक सरप्राइज स्वीट विजिट दो. तो एक डंडा भी लेके चलते हैं ना साथ, सरप्राइज स्वीट विजिट. डंडा? डार्लिंग, एक गन शॉट लेके जाओ. ऑलराइट, डन, लेट्स डू इट. पुअर समीर, हुएवर समीर इज. अब हम करते हैं बेचारा समीर अफगान. मैंने नाम भी ऐसा दिया ना कि दो समीर अफगान नहीं हो सकते यार. हाँ, ओके. अगला सास बहू. ओह हाँ, ओके. अब लड़ाका सास बहू करें सरवत या स्वीट वाले सास बहू करें? कि पहले स्वीट, मंगनी से पहले जो होती है सास. हाँ, और फिर शादी के बाद. और फिर शादी के बाद. डन डन. तो अभी हम मंगनी से पहले सास बहू हैं और तुम सास हो या बहू हो आप बताइए. चलो तुम सास बन जाओ. ठीक है ठीक है ठीक है, डन. क्योंकि वरना लोग कन्वेंशनली सोचेंगे कि तुम बहू बनोगे और मैं सास. पता नहीं क्यों, आई डोंट अंडरस्टैंड इट रियली, बट चलो. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आंटी. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? आंटी समीर है घर पे? नहीं नहीं बेटा, समीर तो स्विमिंग पे गया है ना. यू नो ना, उसकी क्लासेस होती हैं. बट मेरे साथ बैठो ना, टाइम स्पेंड करो. हाँ, आई'd लव टू आंटी. है ना. अच्छा बताओ सोनिया, बेटा तुमने सोचा कुछ? यू नो हमारी किट्टी पार्टीज होती हैं, सब अपनी बहुओं की बातें करते हैं, सब इतनी स्मार्ट सी होती हैं और पतली भी होती हैं. तो सोनिया तुमने कभी सोचा? आंटी मैं बहुत कोशिश करूंगी. अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू इज थिन एंड स्मार्ट, देन आई प्रॉमिस आई विल बी द थिनेस्ट स्मार्टेस्ट बहू यू हैव एवर वांटेड. आई एम गोइंग टू मेक यू द प्राउडेस्ट एट द किटी पार्टीज आंटी. थैंक यू सोनिया, इट मींस अ लॉट. नहीं आंटी, पता है बेटा आजकल ना बेटों को, मियाओं को काबू रखने के लिए यू नो आपको थोड़ा अपने आप को रखना पड़ता है. हाँ बेटा बिल्कुल, वरना यू निकलते हैं हाथ से. बिल्कुल. एंड नोइंग समीर, यू नो उसने को एजुकेशन में पढ़ा, फिर बाहर गया, गर्ल्स नॉट गर्लफ्रेंड्स एज पर से, बट गर्ल्स उसकी सारी फ्रेंड्स हैं. तो यू नो लड़के तो कभी भी यू नो इधर उधर हो जाते हैं. आप आंटी आप मुझे बताएंगी फिर मुझे क्या करना है? हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी और वो यू मेरा पेट तो नहीं काट देगा, मुझे उसे बहुत डर लगता है आंटी. सिर्फ स्टेपल करेगा, आधा पेट फट तो नहीं जाएगा स्टेपल छींक मार के आंटी? अच्छा अच्छा, अब शादी के 2 साल बाद. हाँ चले, वही आंटी वही बेटा. चलो सोनिया जी. समथिंग आई एम अबाउट टू से विल बी वेरी नाइस. डोंट, ओ यू ब्लडी वेट, कम ऑन, लेट मी, कम ऑन, गिव इट टू मी. सोनिया जी. आंटी बेटा तुम मुंह बंद कब करोगी अपना?
दो साल पहले तुमने वादा किया था कि वेट कम करोगी मेरे बेटे के लिए। दो साल पहले आपने वादा किया था कि आप मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएंगी मेरा पेट स्टेपल कराने के लिए, लेकिन जब हम डॉक्टर के यहाँ गए और उसने आपसे कहा कि स्टेपल होने के 7 लाख रुपए लगेंगे, तो आपने तो मुड़ के मेरी तरफ पूछा भी नहीं कि बेटा कराना है या नहीं। बेटा देखो, ये सारी चीजें माँ बाप की होती हैं, ठीक है, माँ बाप। आप मेरे मम्मी डैडी को ना लाएं इसमें बीच में। बेटा उन्होंने ही बड़ा मम्मी डैडी को, तो मैं मोटी बहुत क्यूट लगती हूँ। आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप 7 लाख रुपए जमा करें ना, और अपने बेटे से कहें कि स्विमिंग खत्म कर दे, शादी से पहले भी स्विमिंग, शादी के बाद भी स्विमिंग। सोनिया, तुम अपने वेट के लिए मेरे बेटे की स्विमिंग खत्म करवाना चाहती हो? हाँ सोनिया, रियली मुझे लगता था कि तुम एक लिबरल एजुकेटेड एक अच्छे घर की लड़की क्यों हो। वो मोटा क्यों नहीं हो सकता बेटा? आजकल सोसाइटी में कौन मोटे लोगों को पसंद करता है? सब करते हैं ना। राहत फतेह अली खान को देखें आप, आप आप आपदा परवीन को देखें जी। बेटा वो लोग राहत फतेह अली खान को देखें ना। बेटा यही 2-3 नाम है ना। ओपरा विनफ्री को देखें ना। एडेल भी सुना है बहुत। हाँ देखें, थैंक यू आंटी, आपने याद दिला दिया, एडेल भी तो कूल है। अच्छा बेटा देखो, मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। नहीं और मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। उस दिन पता है वो लाला की वेडिंग में वो गुलजार जो लड़की है लंदन से आई है, समीर ने 2.5 घंटे उससे बात की है, क्योंकि वो पतली स्लिम स्मार्ट और गोल्डन बालों वाली थी। अब या तो तुम अपने बाल गोल्डन करवा लो या फिर तुम पतली हो जाओ, ये 2 ऑप्शंस है तुम्हारे पास। तो फिर बाल ही गोल्डन करा लेती हूँ ना आंटी। हाँ क्योंकि पतली तो तुम होगी नहीं, मुंह तो तुम बंद कर नहीं सकती, हलवे छुपा छुपा के खा रही होती हो, तुम्हें क्या लगता है? तो आप मुझे हलवे मंगाती रहती हैं क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं मोटी हूं, और आप चाहती हैं कि समीर जो है दूसरी बीवी ले आए, क्योंकि मुझे पता है यू हैव चेंज्ड आंटी, यू वर डिफरेंट व्हेन आई वाज एंगेज्ड टू हिम, यू आर स्वीट एंड काइंड। स्वीट टूथ एक चीज होती है और स्वीट बत्तीसी एक अलग चीज होती है। सॉरी नास्टी। ओके सोनिया बेटा देखो, अब ये ड्रामा व्रामा नहीं करो, तुम बहुत ड्रामे देखने लग गई हो। सोनिया सोनिया आंसू नहीं निकल रहे, इफ यू हैवंट नोटिस। अच्छा ठीक है, फिर मैं समीर से कह देती हूँ वो अपने सारे ख्वाब तोड़ दे। हाँ बस भाड़ में क्या। अच्छा चले, अब इसके साथ मुझे तो बहुत मजा आया। आई नो, मुझे भी। थैंक्स। हाँ You're welcome. अच्छा अब अगर मुझे पता होता वैसे आप चमगादड़ बिल्ले और ये सारा बोलेंगी तो फिर मैं डर जाती, थोड़ी प्रिपेयर होकर आती या फिर आती नहीं ना, इसलिए हम नहीं बताते पहले से कि ये ना हो के फिर आप भाग जाएं, है ना, भाग बिल्ला भाग। लेकिन हम तो गप्पे करते रहेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, शायद घूमेंगे फिरेंगे, रिलैक्स करके बैठेंगे, लेकिन इनका टाइम अब जाने का हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।